जब से दुनिया तेरी ममता ही पाई माँ, दरिया से बड़ा तेरा दिल है मेरी माँ। ये जीवन सुना तुझ बिन तेरे कदमों में जन्नत माँ, रब से मिले सबसे बड़ी देन तू है माँ, ओ माँ। वो बचपन की यादें तेरी कही वो प्यारी बातें, अपने हर गम को भुला के मेरी खुशी थी सबसे आगे। आने देना कोई भी गम, निगाहों में हर पल थी साथ माँ। देखी जब से दुनिया तेरी ममता ही पाई माँ, दरिया से बड़ा तेरा दिल है मेरी माँ। ये जीवन सोना तुझ बिन तेरे कदमों में जन्नत माँ, रब से मिली सबसे बड़ी देन तू है माँ। मुझे याद तो नहीं, चलो आज याद कर लेते हैं। तुमने 9 महीने मुझको अपनी पीठ में रखा होगा, सारी तकलीफ जहल कर मुझको जन्म दिया होगा, फिर सारे दर्द बुला कर मुझको सीने से लगाया होगा। मुझको याद तो नहीं, चलो आज याद कर लेते हैं। खाना पीना रोना हंसना सब कुछ सिखाया होगा, ज़िंदगी का पहला कदम उठाकर तेरी बाहों में आई होंगी ना। मुझे याद तो नहीं, चलो आज याद कर लेते हैं। कहते हैं उसके लबों पर कभी बदुआ नहीं होती, उसके लबों पर कभी बदुआ नहीं होती, वो माँ है जो किसी से खफा नहीं होती। माय मॉम माय वर्ल्ड एंड शी इज़ माय एवरीथिंग, शी इज़ माय फर्स्ट टीचर। उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो मेरी डॉक्टर भी हैं, जब जब मैं बीमार होती हूँ बड़े प्यार से मेरा ख्याल रखती हैं। वो एक डिज़ाइनर है मेरी, मुझे एक से एक कपड़े पहनाए हैं। जो आप लोग मुझसे पूछते हो सुनारा कपड़े कहाँ से सिलवाती हो, इतने अच्छे हैं। इवन जो मेरे शादी का एक एक जोड़ा, इवन मेरी पीठी का जो इतना ब्यूटीफुल जोड़ा था, वो उन्होंने ही अपने प्यारे हाथों से स्टिच किया था। वो एक बहुत अच्छी कुकर है, मुझे अच्छे से अच्छे खाने बनाकर खिलाए हैं। मैं हमेशा उनसे कहती थी, मामा मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं आपकी दोस्त हूँ। छोटी से छोटी बातें और बड़ी सी बड़ी बातें मैं उनसे ही शेयर करती हूँ। मैं अपनी मामा की एक ही बेटी हूँ और मेरी कोई भी सिस्टर नहीं है। कभी भी उन्होंने मेरी को सिस्टर की कमी रहने नहीं दी। मेरे साथ खेला, मेरे साथ शॉपिंग पे गई, मुझसे बातें करी। इमोशनली टॉपिक है आज थोड़ा सा। अक्सर मैंने बच्चों को देखा है पेरेंट्स से बदतमीजी करते हुए, उनको नहीं पता होता वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, और मैंने भी ऐसा बहुत किया है। अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं जब पेरेंट्स आकर पूछते हैं या मदर आकर पूछती है, बेटा मोबाइल में बताओ ऐसे कैसे होगा। तो हम आंसर करते हैं, चलाने नहीं आता तो आप यूज़ क्यों करते हो। बट जब हम बचपन में थे उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। जब तक हम नहीं सीखे तब तक हमें सिखाया कि हम सीखें। आज उनकी बारी है सीखने की, चेंज है, मॉडर्न ज़माना है, आज हमारा वक्त है कि हम उन्हें सिखाएं। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, आई थिंक जिनकी शादी हो गई होगी वो इस चीज़ से ज़रूर रिलेट करेंगे। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मुझे ऐसा ही लगा था, यार मैं तो मम्मा के साथ ही रहूँगी और उनके साथ ही खाना पीना सोना सब कुछ उनके साथ ही होता था। जब शादी हो गई ना
और जब आप इस स्टेज पर आते हो, उनकी एक एक बात सच होती है। वो जो आपको टीच कर रही होती है, जो आपको सिखा रही होती है ना, वो आपकी लाइफ के लिए सिखा रही होती हैं। मेरी शादी हो रही थी तो सब मुझसे यही बोल रहे थे, यार मामा अकेली हो जाएंगी, अब तो घर में कोई भी नहीं होगा। और एक होता है ना, लड़की डॉटर और मदर का एक बाउंड होता है। और जब मेरी शादी थी, रुखसती थी, तो उस वक्त तो इतनी फीलिंग हम नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक्त लड़की को भी स्ट्रांग होना पड़ता है। बट शादी होने के बाद लड़की हर रिश्ते को ज़रूर मिस करती है, भाई, बहन, बाप, पर मदर का रिश्ता जो है ना, वो सबसे ज़्यादा मिस करती है। माँ का प्यार बड़ा अनकंडीशनल होता है। बच्चा जैसा भी हो, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, जब मैं कभी जॉब से लेट आ जाऊँ तो मेरे जॉब के गेट तक पहुँच जाती थी और कॉल्स पे कॉल करती थी कि यार अब तक क्यों नहीं आई है। मेरे भाइयों को कॉल्स करके कहती थी, पूछो पूछो अब तक क्यों नहीं आई। और एक एक चीज़ बड़ा केयर करती थी, कभी किसी चीज़ के लिए मुझे फोर्स नहीं किया, हमेशा कहा जो करना है करो, फ्रीडम हमेशा दी, बट कहाँ जो करो सोच समझ के करो। जब मैं जॉब से आती थी तो वो खाना वाना सब कुछ बना कर रखती थी कि नहीं भाई मेरी बेटी अभी आएगी वो खाएगी। बहुत ज़्यादा केयर करी। आई थिंक मैं समझती हूँ कि मैंने उनको रिटर्न में कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। और जिस तरह से आज मैं अपनी फीलिंग इजहार कर रही हूँ, मम्मा मुझे ज़रूर देखेगी, मैंने कभी नहीं। एंड आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड विद माई मदर इन लॉ, शी इज़ ग्रेट लेडी, बहुत ही अच्छी सासू माँ है। हमेशा लोग कहते हैं सासू माँ के बारे में, यार सासें बड़ी ऐसी होती हैं, सासें बड़ी वैसी होती हैं, बट इस मामले में आई एम ब्लेस्ड। शी इज़ ग्रेट लेडी, शी इज़ हार्ड वर्किंग लेडी, और वो भी बड़ा केयर करती है। जब मैं शादी होकर आई थी तो मैंने अपनी मामा का दूसरा रूप उनमें देखने की कोशिश की। जिस तरह से मेरी मामा केयर करती थी, वो भी उसी तरीके से केयर करती हैं। सो मेरी मदर इन लॉ, मेरी मदर, जो मेरे फैमिलीज़ के मेम्बर्स देख रहे हैं, जो मेरे व्यूज हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनकी मदर, सबको हैप्पी मदर्स डे। आप अपनी मदर्स की केयर करो, उनके रिस्पेक्ट करो। जिनकी शादी नहीं हुई है, वो अपनी मदर्स के साथ अच्छे से अच्छे टाइम स्पेंड करो। और जिनके पेरेंट्स और जिनकी मदर इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह इनको जन्नत नसीब करे और उन बच्चों को सब्र दे। कहते हैं ना, माँ जो है वो 10 बच्चों को पाल लेती है, पर 10 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं पाल सकते। तो हमेशा जो है वह हमारे माँ बाप का साया हम पर सलामत रखे, बस यही दुआ है। और एंडिंग में फिर से हैप्पी मदर्स डे। और अब मैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। सो हमेशा की तरह अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।